नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार वॉइस ऑफ एमपी महा कवरेज दिखा रही है मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, क्योंकि आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव का और आज नीमच के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह की तस्वीरें मेरे सहयोगी गोलू से कहूंगा तस्वीर बताए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आ चुके हैं। और जिस तरीके से कुछ देर में यहाँ पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश हैं वीडी शर्मा और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत को लेकर यहाँ तमाम नेता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्षक चाहे वो सत्ता में जनता की सेवा करके गरीब कल्याण की चिंता करें, थोड़ा सा नौजवानों को शीर्षक पूरी शक्ति के साथ, पूरी दिलो दिमाग के साथ, उचित प्रकार से संगठन के प्रोदानी आज हमारे मन में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का भी शीर्षक और सरकार में संचालन करने वाले चाहे केंद्र के हम चाहे राज्यों के हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर आ रहे हैं, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा आयोजित इस जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधिगण संगठन द्वारा इसमें ताकत के साथ लगा हुआ है। क्या कहेंगे भाई साहब, बड़ी संख्या में जो नेता बताए जा रहे हैं, केंद्रीय नेता, राज्य मंत्री नेता, वो तमाम जो है नीमच आ रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण दिन आज के नीमच के लिए? सबसे बात सुनने का अवसर आइए नमस्कार अवसर बहुत उपयोगी हुआ। कोई भी जब बड़ा व्यक्ति आता है तो कुछ न कुछ नया सपना, नया विषय क्षेत्र में छोड़ कर जाता है। वो क्या नए विषय छोड़ के जाता है, क्या निर्मज की चीज़ें उनके दिमाग में है, उसकी जानकारी आएगी। और नीमच को जब इतने लोगों से फेस टू फेस हो गए तो वो यहाँ के कुछ नए यहाँ के लोगों के लिए मन में भी सोचे बना रहे। मुझे उम्मीद है कि नीमच के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही है। क्या कहेंगे विधायक जी, किस तरीके से आप कहते हैं आज के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है, क्या कहेंगे तमाम नेताओं को लेकर? नीमच के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि नीमच की लाल माटी पर जहाँ सियाजी की जन्मस्थली है वहाँ हमारे रक्षा मंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व में, और रक्षा मंत्री होते हुए आज नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने पधार रहे हैं, तो मन में उत्साह है। फिर सर्वहारा वर्ग के कल्याण करने वाले मल्लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब पधार रहे हैं। संगठन जो भारतीय जनता पार्टी प्राणों से प्रिय संगठन है, उसके जिलाध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी पधार रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी पधार रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे सांसद विधायक मंत्रीगण सब पधार रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ यहाँ से करेंगे। और सत्तूर कमल खिले, 2023 में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए, हमारे राजनाथ सिंह जी जो हमें पाथे देंगे उसको ले जाएंगे और वापस 24 में भी कमल खिलाने का काम करेंगे। तो बड़ी बात यही है, 24 में कमल खिलाने का काम करेंगे। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं का हो चुका है, कुछ देर में माना जा रहा है कि ओरछा से जो निवाड़ी वहाँ से सभा खत्म हो चुकी है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की, और वहाँ से वे जो है उड़ान भरेंगे और नीमच पहुँचेंगे। इस वक्त की हम लाइव तस्वीर और लाइव अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के अपडेट के लिए मेरे हमारे साथ जय हिंद जय भारत।